हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बेंगलुरु के बनारघट्टा नेशनल पार्क से लिया हुआ कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे और जानेंगे वहाँ के कुछ फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास का और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। कर्नाटक के बनारघट्टा नेशनल पार्क की स्थापना 1970 में किया गया था और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 65,127.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु के 22 किलोमीटर दक्षिण के ऊंचाई पर 12,545 मीटर ऊंचाई पर एनएल रेंज पर स्थित है। बनारघट्टा जैविक पार्क ये एक चिड़ियाघर, एक पालतू कोने, एक पशु बचाव केंद्र, एक सांपघर, एक मछलीघर, एक तितली बाग और एक सफारी पार्क के साथ ये एक बहुत ही आकर्षणीय पर्यटक स्थल है। और हाँ, पूजा के लिए पार्क में एक प्राचीन हिंदू मंदिर भी है। ये राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र पे 6 गांव हैं जो भेड़ और मवेशी खेतों के लिए 3 बड़े बाड़ के भीतर स्थित है। ये पार्क 6 किलोमीटर के एक निर्देशक बास यात्रा प्रदान करता है जो कि विशेष रूप से सफारी और विदेशी पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। इस पार्क अनुसंधानकारों के लिए वन्यजीवों का एक विशिष्ट श्रृंखला प्रदान करता है। पार्क में कुल 100 प्रजातियों का जीव जंतु दर्ज की गई है। ये पार्क कर्नाटक राष्ट्र विकास निगम KSTDC द्वारा यात्रियों को समर्थित और प्रबंधित यात्रा प्रदान करता है। सितंबर 2013 के अंत में शाकाहारी जानवरों के बीच आई पैर और मुंह की बीमारी के वजह से सत्ता के लिए सफारी बंद कर दिया गया था। जैसे कि मैं पहले ही बताया, पार्क में एक तितली बाड़ है। ये भारत के पहली तितली बाड़ है जो नवंबर 2006 को खोला गया था। ये एक उमस भरी उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें एक कृत्रिम झरना और अचित वनस्पतियों के साथ तितलियों को आकर्षित किया जाता है। यहाँ पर कुल 20 प्रजातियों का तितली पाया जाता है। हे गाइज, सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय। Up.